एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आपकी अपनी राधा राधा चंद्रलोक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आइए आज हम आपको एक कुछ न्यू दिखाएंगे अपनी वीडियो में। क्या दिखाएंगे? कुछ चैलेंज करना है। रवि बोल रहे थे कि चैलेंज करना है मम्मी के साथ, मम्मी और मेरा चैलेंज होएगा, पर ये नहीं पता कि किस चीज़ का चैलेंज है। हम आपको दिखाएंगे, अभी वेट करना होगा। और अभी खाना बना रहे हैं तो मम्मी को पूछती हूँ, मम्मी क्या बना रही है? मम्मी क्या बना रहे हो आज खाने में? खाने में आज क्या है? ये बेसन की बंगोड़ी, बेसन की पकौड़ी है। मम्मी ने आटा बना दिया है, ये बना दिया। अब इसको गोल गोल बनाएंगे, इसमें प्याज व्याज डाल के अच्छी सी सब्जी बनाएंगे। और फिर देखना, हम स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे आज। सास बहू दोनों मिलके बनाते हैं हम खाना, तो देखना। देखिए अभी बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे, इसको गोल गोल बनाएंगे। देख, तो मैंने प्याज ले लिया है और मम्मी ये बनाने लगी है, तो अभी बना के दिखाएंगे। और फिर देखना हमने अपनी सब्जी कैसी बनाई है, बड़ी टेस्टी बनेगी। तो गाइस, बन के मेरी मंगोड़ी और प्याज मैंने काट दिया है और मैंने मिर्च ग्राइंडर कर लिया। अभी मैंने गैस पे कढ़ाई रखते मिर्च ला के और इसको बना के दिखाऊंगी आप सभी को। और अभी इसमें ऑयल डालती हूँ, फिर देखना मेरी सब्जी कैसी बनेगी अभी फटाफट। और पहले हम इनको फ्राई करेंगे, फ्राई करके और फिर बाद में प्याज आटा बना दिया है, कितना अच्छा बनाया, रोटी बड़ी मस्त है। आटा मम्मी बनाया करा, घना मस्त बना कर थी। और बन गया, हो गया। इसमें थोड़ा जीरा डालूंगी अभी। ये चिली है इसमें। सब्जी में प्याज पकौड़ी बनाई बेटा, अच्छी है। लो गाइस, आप भी खा लो, ये दिल से खा रही हूँ, पर जानेगा तो कोई मैं खा लूँ, आप सभी के नाम का मैं खा लेती हूँ। चैलेंजेस। तो मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दिया। अब मैंने इसमें टमाटर को एंटर कर दिए। अभी देख, मम्मी ये वाली यहाँ बजनी नहीं आते कैसे?
पानी डाल दूंगी मैं, और पानी अपने हिसाब से डाल दूंगी जैसा हम पसंद करते हैं। ठीक है, ये रेडी हो जाएगा बन के। रवि ने चैलेंज किया किस चीज का, गोलगप्पे खाने का। मम्मी कल मेरा गोलगप्पे लेकर आए हैं और ये देखेंगे कि गोलगप्पे कौन ज्यादा खाएगा। भूख तो दोनों अलग लग रही, पर नहीं पता कौन से कितने काम है। देखते हैं गाइस, अब देखना। हेलो दोस्तों, तो अभी एक चैलेंज करने वाले हैं जिसमें मम्मी और राधा अभी चैलेंज करेंगी, और जो एक मिनट के अंदर सबसे ज़्यादा गोलगप्पे खाएगा वो विन कर जाएगा और उसको 500 रुपीज़ मिलेंगे। तो अभी फ्रेंड्स अभी हम वेट कर लेते हैं, अभी मैं आपके साथ टाइमर चला देता हूँ, तो टाइमर के अंदर आप देख लीजिए। अभी हम 1 2 3 करेंगे और टाइमर को स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा वॉच करें। आपको देखना है कि राधा जीतेगी या मम्मी जीतेगी, तो देखते रहिए वीडियो को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मम्मी और राधा तीन की गिनती पे आप स्टार्ट कर सकते हो और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी जल्दी खा लो, मम्मी की तो कटोरी है उड़ी की। मेरा गोलगप्पा, मम्मी एक गोलगप्पा खा चुकी है। जो सबसे पहले खाएगा उसको 500 रुपीज का इनाम मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को बात पूरा करते रहिए, देख लीजिए। अभी आप भी काउंट करते रहिए। राधा ने दूसरा गोलगप्पा खा लिया है, ये बहुत ही फास्ट और बेहतरीन तरीके से खा रही है। मम्मी ने भी दूसरा गोलगप्पा खा लिया है, तो वीडियो को पूरा वॉच करे। अटक गई तो अभी दोस्तों एक मिनट का टाइम पूरा होने वाला है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 47 सेकंड हो चुकी है, 50 सेकंड, और मम्मी ने तीसरा गोलगप्पा खा लिया है और राधा ने अभी तीसरा खाने वाली है। जी तो आपका दोस्तों टाइम रुक चुका है और ये जो चैलेंज था मम्मी जीत चुकी है। मम्मी अभी भी गोलगप्पे खा रही है, मम्मी का मेरे को हिसाब से लगता है बहुत ज़्यादा भूखी थी तो इसलिए मम्मी अभी भी रुक नहीं रही है। तो मम्मी ये चैलेंज जीत कर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। और गोलगप्पे खा के पेट भरा ना, चैलेंज का तो मेरा नहीं, गोलगप्पा मजा आ गया। नहीं, एक मिनट के अंदर मम्मी ने तीन गोलगप्पे खाए और राधा का तीसरा खाने वाली थी बट ये खा नहीं पाई। तो दोस्तों अभी इस चैलेंज को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको अगर चैलेंज अच्छे लगते हैं तो हम हर रोज़ आपके लिए नए नए चैलेंज लेके आते रहेंगे। तो राधा चंद ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो मैंने खाना बनाया था वो ज़रूर दिखाऊंगी कितना अच्छा बनाया। तो अभी भी ये ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो आगे ब्लॉग के लिए राधा आपको कंटिन्यू शूट करके आपको दिखाएगी कैसे क्या है। तो फ्रेंड्स गोलगप्पे खा लीजिए, और ये हमारे दादाजी हैं, देख लीजिए आप, ये देख रहे थे कि पोते की बहू जीतेगी या लड़के की बहू जीतेगी, तो इनके लड़के की बहू जीत चुकी है। तो दादाजी को बधाई, और काका आपके लड़के की बहू जीत चुकी है चैलेंज। बहुत अच्छा हुआ। 500 रुपये तो दे दो अभी, 500 रुपये हम मम्मी को देने वाले है। तो अभी मम्मी का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, अभी मम्मी को 500 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मम्मी पे हम फिर खोस लेंगे, दोबारा से ले लेंगे। तीन गोलगप्पे तो मैंने अभी खाए थे, 100-200 तो मेरे भी बनते होंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, चैलेंज के अंदर जो जीतता है सिर्फ पेमेंट उसी को मिलती है। तो मम्मी 500 रुपये जीत चुकी है, मम्मी को बहुत बहुत बधाई चैलेंज की। तो दोस्तों अभी आगे का व्लॉग, मम्मी तो कभी खुश हो गई, गोलगप्पे भी मिले, 500 रुपये मिले मेरे को। तेरे को गोलगप्पे मिल गए ना, इससे अच्छा क्या चाहिए। ठीक है, गोलगप्पे बड़े स्वादिष्ट थे। और ये बच्चों को देख लीजिए, बच्चे भी पूरे बिल्कुल पागल हो चुके हैं। देखते हैं रिजल्ट खाएगी यार, पहले पक्का नहीं दे रहे, दूसरे पे ले आओ। हे
मेरा खाना बन के तैयार हो चुका है और अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। दिखाती हूँ मैं। हे गाइस, सब्जी रेडी हो चुकी है बनके और ये मैंने दूध भी गर्म कर दिया है और अभी रोटियां बनाऊंगी। रवि और अंकित जिम में गए हैं, बाकी सब खाना कर लेंगे। खा लिया? पी लिया? रियान ने दूध को फिनिश कर दिया। बोलो रियान, इधर आओ। रियान 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 ये जामन लेना हो गया। निशांत क्या दूँ? और लस्सी दी थी एक बोतल मैंने। है क्या बनाया तुमने आज? कड़ी। फिर लो सारी की लस्सी की कड़ी बना रहे। जामुन दे दी मैंने। ये रो रो के देखो आंखें कैसी कर रहे हैं। ध्यान, आपने आज क्या खाया? दूसरी सब्जी। दूसरी सब्जी क्या बनाया था मम्मी ने आज? दूसरी सब्जी। हाँ। क्या नाम था उसका? उसके अंदर क्या था बेटा? पकोले। ओके, आपने दूध फिनिश कर दिया? हाँ। गंदा गंदा मेरे बेटे का गंदा गंदा समूह है, पर सुंदर लग रहा है। नोजी वोजी भी आई है। मैं काट रही हूँ खीरे और खीरे काट के काट लेती हूँ खाने के साथ। खाने छिले का है हर्षो, इधर आओ। हर्षो इधर आ। हाय रे, कहाँ गई थी आप? स्कूल नहीं गई आज? क्यों? नहीं गई। बोल, रियान भी गया था। रिजल अंदर है, फोन देख रही है। रियान तुम स्कूल गए थे ना? हाँ। हर्षु को क्यों नहीं लेके गए? हर्षु नहीं जा। नहीं जा? तुम जा। हाँ। हर्षु तुम क्यों नहीं जा? मैं तो सो रही थी। सो रही थी? हाँ। फिर जल्दी उठाकर सुन, जल्दी उठाकर। नहीं। स्कूल नहीं जाना? नहीं जाना क्यों? स्कूल जाते हो अच्छे। देखो रिजल रियान को देखो, खीरा काट रहा है ये। मैं भी काटती हूं। तुम नहीं, चक्कू के साथ नहीं, उंगली काट देगा ये। चक्कू के साथ नहीं, छीलर के साथ छीलेंगे फिर हम। चक्कू इस तरह है। जिम से आ चुके हैं प्रधान जी कि भाई ये इन पे ये गजाती है, उस पे मोई जाता है। क्या खाना बन के रेडी हो चुका है और मैं अभी इनसे पूछती हूँ, इनसे खाना दिया है तो कैसा बना है खाना? रोटी बन चुकी है और मैं अब उनको खाना दे रही हूँ। ले जाती हूँ। सब्जी कैसी बनी है? ठीक ठाक है। हैं? ठीक ठाक है बस। अरे यार इतनी मेहनत बनाई, कदे तो तारीफ कर दिया करे। सही सही बता दे, अच्छी अच्छी बनी है। बस अच्छी है। बस अच्छी है, बस तो अच्छी हो वे। सब्जी पूछा है। मैं कहना है बढ़िया भाई बढ़िया। सब्जी कैसी लगी रही? मेरी मिर्च का चार जो देखेंगे कौन है? मेरे सब्सक्राइबर ने बताया अगर ये वीडियो अच्छी बनाती है तो सब्जी भी बहुत अच्छी बनाती होगी। मिर्च का फैन ये है और चाय का फैन ये है, ये खीरा की फैन है।
दोस्तों खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन आप राधा का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेहमान बोलने जरूरी हो यार, जरूरी होती है, भूल जाते हैं कई लोग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तो गाइस मेरी वीडियो को अच्छे से अच्छा एक लाइक दे देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि कहीं पे मिस्टेक हो गई हो तो बस सॉरी, और मेरी वीडियो को कमेंट करके बताओ कि कैसी बनी है, जो मैंने जो कुछ भी करा है, मम्मी के साथ चैलेंज हुआ था और खाना बनाया है, ये सब हम नए नए ब्लॉगर हैं जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। ओके गाइज, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तो बाय, गुड नाइट। अब मैं खाना खा लूँ, मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है। बाय, बन गई यार।